नमस्कार दोस्तों, शैलेंद्र शुक्ला लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट केतन पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर द्वारा जीपीसी जयपुर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एल्गोरिथम के बारे में विस्तार से जानेंगे कि कंप्यूटर के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। The four basic arithmetic operations are addition, subtraction, multiplication and division. यानी कि जो arithmetic operations हैं, उनके चार basic operations माने जाते हैं addition, subtraction, multiplication और division. From these four basic operations, it is possible to formulate other arithmetic functions and solve problems by means of numerical analysis method. इन चार basic operations की सहायता से हम दूसरे अर्थमेटिक फंक्शंस को फॉर्मुलेट करते हैं और उनकी प्रॉब्लमों को सॉल्व करते हैं। एन अर्थमेटिक प्रोसेसर इज द पार्ट ऑफ ए प्रोसेसर यूनिट दैट एग्जीक्यूट अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए अर्थमेटिक प्रोसेसर जो होता है दैट इज ए पार्ट ऑफ ए सीपीयू। एन अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई बाइनरी और डेसिमल डाटा एंड इन ईच केस द डेटा मे बी इन फिक्स्ड पॉइंट और फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म। नेगेटिव नंबर मे बी इन साइंड मैग्नीट्यूड और साइंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। यानी कि कोई भी नेगेटिव नंबर है उसको हम या तो साइंड मैग्नीट्यूड में या फिर साइंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिक्स्ड पॉइंट नंबर मे रिप्रेजेंट इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एल्गोरिथम फॉर डेटा रिप्रेजेंटेड मे बी डन इन साइंड मैग्नीट्यूड और डेटा रिप्रेजेंटेड इन साइंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला प्रकार है कि डेटा को साइंड मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करके और दूसरा है डेटा को साइंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करके। तो आइए पहले बात करते हैं हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद साइंड मैग्नीट्यूड डेटा। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इन साइंड मैग्नीट्यूड इज फेमिलियर बिकॉज इट इज यूज्ड इन एवरीडे अर्थमेटिक कैलकुलेशन। जो हम हमारे डेली अर्थमेटिक कैलकुलेशन में हम उपयोग लेते हैं वो लेते हैं हम साइंड मैग्नीट्यूड डेटा रिप्रेजेंटेशन। The procedure for adding or subtracting two signed binary numbers with paper and pencil simple and straightforward. A review of this procedure will be helpful for deriving the hardware algorithm. We designated the magnitude of the two numbers by A and B. यहाँ पर जो दो नंबर जिनका हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है उनको हमने A और B माना है। When the signed numbers are added or subtracted, we find that there are eight different conditions to consider depending on the sign of the numbers and the operation performed. यहाँ पर A number positive या negative कुछ भी हो सकता है, इसी प्रकार B number भी positive या negative हो सकता है। तो कुल मिलाकर addition और subtraction में यहाँ पर आठ conditions होंगी जिनको कि आगे first column में बताया गया है table की। The other columns in the table shows the actual operation to be performed with the magnitude of the number. और जो table का अगला column है उसमें बताया है कि हमें actual operation कौन सा perform करना होगा उस arithmetic operation को मालूम करने के लिए। The last column is needed to prevent negative zero. In other words, when two equal numbers are subtracted, the result should be plus zero, not minus zero. जो last column है उसमें बताया गया है कि कोई भी समान नंबर को यदि हम सब्ट्रैक्टेड करते हैं तो हमारा रिजल्ट प्लस जीरो ही आना चाहिए, न कि माइनस जीरो। इन एडिशन एल्गोरिथम व्हेन द साइंस ऑफ ए एंड बी आर आइडेंटिकल एट द टू मैग्नीट्यूड। यानी कि जब हम एडिशन करते हैं तो अगर ए और बी का साइन समान है, आइडेंटिकल है, यानी कि अगर A पॉजिटिव है और B भी पॉजिटिव है या फिर A नेगेटिव है और B भी नेगेटिव है तो हमें एड द टू मैग्नीट्यूड एंड अटैच द साइन ऑफ A टू द रिजल्ट। हमें A और B के मैग्नीट्यूड को एड करके उसके आगे
जो ए नंबर है उसका साइन लगा देंगे. व्हेन द साइन ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट कंपेयर द मैग्नीट्यूड. यानी कि जब ए और बी का साइन डिफरेंट है, यानी कि ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, या फिर ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, तो उस केस में हमें एडिशन में मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना पड़ेगा. इसी प्रकार इन सब्ट्रैक्शन एल्गोरिथम, व्हेन द साइन ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट, जब हमें सब्ट्रैक्शन करना है और ए और बी के साइन अलग-अलग हैं, यानी कि ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, तो इस केस में, या फिर बी पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है, तो इन दोनों केसों में हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा एड द टू मैग्नीट्यूड एंड अटैच द साइन ऑफ ए टू द रिजल्ट. इस केस में हमें दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करना होगा और ए के साइन को उसके आगे लगाना होगा वांछित रिजल्ट प्राप्त करने के लिए. इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन की अगर दूसरी कंडीशन में कि व्हेन द साइन ऑफ ए एंड बी आर आइडेंटिकल कंपेयर द मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और हमें ए और बी के दोनों जो साइन है वो आइडेंटिकल है, यानी कि अगर ए पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, या फिर ए नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है, तो उस केस में हमें ए और बी के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना होगा. यहाँ पर टेबल में एडिशन की चार कंडीशंस और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की चार कंडीशन, यानी कि कुल मिलाकर आठ कंडीशंस को टेबल में दिखाया गया है कि आखिर इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं. आइए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं. यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एडिशन के कंडीशन में अगर हम सेम साइन के दोनों ऑपरेंड या डेटा के ऊपर एडिशन ऑपरेशन लगाते हैं, तो उस केस में हमें दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करना है और उसके आगे एक का चिन्ह लगा देना है. तो यहाँ पर एडिशन की फर्स्ट कंडीशन में हम देख रहे हैं कि प्लस ए प्लस बी हमें करना है. यहाँ पर ए और बी दोनों किस साइन के हैं, तो ये दोनों का सेम साइन है और वह साइन है प्लस साइन. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर ए और बी के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना है और उसके आगे ए का साइन जो कि प्लस है वह हमें लगा देना है. इसी प्रकार एडिशन की फोर्थ कंडीशन में हम देख रहे हैं कि माइनस ए प्लस ऑफ माइनस बी. यहाँ पर भी एडिशन हो रहा है और ए और बी दोनों ऑपरेंड के साइन नेगेटिव है, यानी कि समान है. इस कंडीशन में भी हम ए और बी के मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे और उसके आगे ए का चिन्ह जो कि माइनस है उसको लगा देंगे. इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन में पर यहाँ पर उल्टा होता है. यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में अगर ए और बी दोनों डिफरेंट साइन के हैं, यानी कि दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो उस केस में हम मैग्नीट्यूड को ऐड करके ए का जो भी साइन होता है उसको आगे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए लगा देते हैं. तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे सेकंड कंडीशन सबसे पहले हम देखते हैं. यहाँ पर प्लस ए माइनस ऑफ माइनस बी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन हमें करना है और ए का साइन है पॉजिटिव और बी का साइन है नेगेटिव. तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करना होगा और उसके आगे ए का साइन क्या है पॉजिटिव, तो प्लस यहाँ पे लगा देना होगा. इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन की जो थर्ड कंडीशन है वो है माइनस ए माइनस और प्लस बी. इसका मतलब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ए का साइन नेगेटिव बी का साइन पॉजिटिव, यानी कि दोनों ए और बी अपोजिट साइन के हैं और हमें करना है सब्ट्रैक्शन. तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे और उसके आगे हम साइन लगा देंगे माइनस साइन जो कि ए का चिन्ह है. माइनस साइन लगाने पर हमें वांछित रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा. तो ये तो चार कंडीशन हुई जिसमें दो कंडीशन एडिशन की, अगर दोनों एडिशन में दोनों सेम साइन के हैं तो यहाँ पर हम एडिशन करेंगे मैग्नीट्यूड का और उसके आगे ए का चिन्ह लगा देंगे, और सब्ट्रैक्शन में अगर दोनों ए और बी अपोजिट साइन के हैं तो उस केस में हम यहाँ पे एडिशन करेंगे और ए का चिन्ह लगा देंगे.
रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। अब हम देखते हैं कि हमें करना तो एडिशन है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट साइन के दोनों ऑपरेंड हैं। तो लेट अस टेक सेकंड कंडीशन। फर्स्टली सेकंड कंडीशन में हो रहा है प्लस ए प्लस ऑफ माइनस बी। तो हकीकत में हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस ए और प्लस और माइनस हो गए मल्टीप्लाई हो गए माइनस, यानी कि हकीकत में हमें ए माइनस बी ही करना है। तो हमें जब a माइनस बी करना है और उस केस में अगर a इज ग्रेटर देन b है तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी करके उसके आगे हम प्लस का साइन लगा देंगे। और अगर दूसरी कंडीशन है जिसमें b इज ग्रेटर देन a है तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम चूंकि b इज ग्रेटर देन a है इसलिए हम b माइनस a करेंगे, और हकीकत में हमें करना है a माइनस b। तो इसका मतलब चूंकि b यहाँ पर ग्रेटर देन a है इसलिए रिजल्ट आएगा हमारा नेगेटिव, तो हम b माइनस ए यानी b में से a घटाकर जो हमारा रिजल्ट आया उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे क्योंकि b इज ग्रेटर देन a है। एडिशन की थर्ड कंडीशन हम देखें तो थर्ड कंडीशन में लिखा हुआ है माइनस ए प्लस ऑफ प्लस बी। इसका मतलब हकीकत में हमें क्या करना है, हकीकत में हमें करना है b माइनस ए। तो b माइनस ए करने के लिए यदि a इज ग्रेटर देन b है तो उस केस में हम क्या करेंगे, a माइनस बी करेंगे और उसके आगे माइनस साइन लगा देंगे। और दूसरी कंडीशन में अगर b इज ग्रेटर देन a है तो उस केस में हम b माइनस ए करेंगे, और चूंकि हमें हकीकत में b माइनस ए ही करना है तो उसके आगे हम प्लस का साइन लगा देंगे। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन की उन कंडीशनों की तरफ जहां पर हमारे जो साइन है दोनों ऑपरेंड के वो सेम है, यानी कि साइन दोनों आइडेंटिकल हैं। तो लेट अस टेक द फर्स्ट कंडीशन प्लस ए माइनस ऑफ प्लस बी। तो हकीकत में हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस ए और माइनस इनटू प्लस हो जाता है माइनस। तो हकीकत में हमें क्या करना है यहाँ पर, ए माइनस बी करना है। तो ए माइनस बी परफॉर्म करने के लिए अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो उस केस में हम क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे और उसके आगे हमारे प्लस का साइन लगा देंगे। लेकिन अगर कंडीशन दूसरी है और b इज ग्रेटर देन a है तो उस केस में हम b माइनस a करके उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार हमारी सब्ट्रैक्शन की जो फोर्थ कंडीशन है उसमें हम देख रहे हैं कि वहां पे माइनस a माइनस ऑफ माइनस b करना है, यानी कि हमें माइनस a में से माइनस b को घटाना है। तो यहाँ भी a और b दोनों के साइन नेगेटिव है जो कि दोनों की साइन आइडेंटिकल हो गए, और जैसे कि मैंने बताया आपको कि सब्ट्रैक्शन में अगर दोनों साइन आइडेंटिकल हैं तो उस केस में हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे हम हकीकत में क्या करना है, हमें माइनस ए प्लस बी करना है क्योंकि माइनस माइनस मिलके क्या बन गए, प्लस बन गए। तो हमें हकीकत में क्या करना है, बी माइनस ए करना है। अब चूंकि हमें करना है बी माइनस ए, अगर यहाँ पे बी की वैल्यू ए से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली हम उसके आगे प्लस का साइन लगा देंगे, लेकिन अगर a की वैल्यू b से ज्यादा है तो उसके इसमें हम a माइनस b कैलकुलेट करके उसके आगे माइनस साइन लगाएंगे जिससे कि हकीकत में वो बन जाए b माइनस a। अब हम चलते हैं लास्ट कंडीशन, लास्ट हमारी जो टेबल का कॉलम है उसमें हमने दिखाया है कि अगर a इक्वल टू b है, तो अगर a इक्वल टू b है तो उस केस में सब्ट्रैक्शन जहां पे हमें करना है वहां पर हमारा a माइनस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्योंकि a इक्वल टू बी है यहाँ पर। अब जब रिजल्ट हमारा जीरो है तो रिजल्ट जब जीरो है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमें उसके आगे प्लस का साइन लगाना होगा, यानी कि जो जीरो है उसे हमें पॉजिटिव बनाना होगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के आठों कंडीशंस को सॉल्व कर पाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का किस प्रकार हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। टू इम्प्लीमेंट द टू अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद हार्डवेयर इट इज फर्स्ट नेसेसरी दैट द टू नंबर्स बी स्टोर्ड इन रजिस्टर्स, यानी कि जो दो नंबर जिनके ऊपर हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है सबसे पहले हम उन दोनों नंबरों को रजिस्टर में स्टोर करते हैं। लेट ए एंड बी बी टू रजिस्टर्स दैट होल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर्स and AS and BS be two flip-flops that hold the corresponding sign. हम यहाँ पर मानते हैं कि A और B दो रजिस्टर हैं जो कि दोनों नंबर A और B के मैग्नीट्यूड को स्टोर करते हैं, और AS और BS दो फ्लिप फ्लॉप हैं जो कि उनके करस्पॉन्डिंग साइन, यानी कि AS
ए नंबर के साइन को और बी एस बी नंबर के साइन को स्टोर करता है. द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन मे बी ट्रांसफर टू ए थर्ड रजिस्टर, हाउएवर इफ सेविंग अचीव्ड इफ द रिजल्ट इज ट्रांसफर इन टू ए एंड ए एस, थस ए एंड ए एस टूगेदर फ्रॉम एन एक्यूमुलेटर रजिस्टर. जनरली सेविंग के लिए हम ए और ए एस जो है उसको एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स लेते हैं. Consider now the hardware implementation of the algorithm above. First, a parallel adder is needed to perform the micro operation A plus B. A plus B करने के लिए हमें parallel adder की आवश्यकता होगी. Second, comparator circuit is needed to establish if A is greater than B, A equal to B or A is less than B. यानी कि हमें compare जब हम करेंगे तो उसे कंपेयर करने के लिए कि ए की वैल्यू बी से ज्यादा है या ए की वैल्यू बी के बराबर है या ए की वैल्यू बी से कम है, हमें कंपैरेटर सर्किट की आवश्यकता होगी. टू पैरेलल सर्किट फॉर सबट्रैक्शन आर नीडेड टू परफॉर्म द ऑपरेशन ए माइनस बी एंड बी माइनस ए. ए माइनस बी या बी माइनस ए करने के लिए हमें दो पैरेलल सबट्रैक्टर सर्किट की भी आवश्यकता होगी. द साइन रिलेशनशिप कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम एन एक्सक्लूसिव ऑर गेट विद ए एस एंड बी एस एज इनपुट. हमें यहाँ पर मालूम भी करना है कि ए एस और बी एस यानी कि ए और बी के नंबर का जो साइन है वो दोनों समान है या डिफरेंट है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक्सक्लूसिव ऑर गेट लेते हैं जिसकी सहायता से हम पता करेंगे कि ए और बी दोनों के नंबर के साइन समान है या असमान है. यहाँ पर चित्र में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद साइंड मैग्नीट्यूड डेटा हार्डवेयर डिजाइन दिखाई गई है. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए रजिस्टर जो है उसमें हमारा ए नंबर है उसका मैग्नीट्यूड हम स्टोर करते हैं. इसी प्रकार इस ए एस जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें हमारा जो पहला नंबर ए है उसका साइन हम स्टोर करते हैं. यहाँ पर जो बी रजिस्टर है उसमें हम दूसरे नंबर का मैग्नीट्यूड स्टोर करके रखते हैं और बी एस जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें हम उस दूसरे नंबर का साइन स्टोर करके रखते हैं. यहाँ पर जो ई फ्लिप फ्लॉप है इसमें आउटपुट कैरी स्टोर करके रखी जाती है. इसी प्रकार ए बी एफ जो है यहाँ पर एड ओवरफ्लो बिट अगर उसमें है तो एड ओवरफ्लो बिट को स्टोर करने के लिए हम ए बी एफ का उपयोग करते हैं. यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटर और पैरेलल एडर दिखाए गए हैं. कॉम्प्लीमेंटर कंसिस्ट ऑफ एक्सक्लूसिव ऑर गेट्स एंड द पैरेलल एडर कंसिस्ट ऑफ फुल एडर सर्किट. जो कॉम्प्लीमेंटर है उसमें एक्सक्लूसिव ऑर गेट्स होते हैं और पैरेलल एडर में फुल एडर सर्किट्स होते हैं. यहाँ पर फाइनली जो हमारा एक्यूमुलेटर है जिसमें शुरू में हम ए की वैल्यू स्टोर करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होने के पश्चात यहाँ पर लोड सम यानी कि फाइनल जो हमारा रिजल्ट आता है उसको हम एक्यूमुलेटर में स्टोर करते हैं. यहाँ पर चित्र में समरी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद साइन मैग्नीट्यूड डेटा दिखाई गई है. यहाँ पर हार्डवेयर एल्गोरिथम फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चित्र में दिखाया गया है. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एड ऑपरेशन में सबसे पहले एयुगेंड इन ए और एडेंड इन बी रजिस्टर डाल दिया जाता है. इसके पश्चात सबसे पहले हम ए एस यानी कि जो ए हमारा नंबर है उसका साइन और बी एस यानी कि बी नंबर के साइन के ऊपर एक्सक्लूसिव और गेट अप्लाई करते हैं. और यदि एडिशन में दोनों सेम साइन के हैं ए और बी तो इसका मतलब हुआ कि हमारा आउटपुट एक्सक्लूसिव और का जीरो आएगा और जैसे ही आउटपुट जीरो आएगा इसका मतलब ए और बी के साइन सेम है. और एडिशन में अगर ए और बी दोनों सेम साइन के हैं यानी कि ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है या फिर ए और बी दोनों ही नेगेटिव हैं तो उस केस में हमें एडिशन करना होता है रिजल्ट के लिए. तो यहाँ पर हम ई ए इक्वल टू ए प्लस बी यानी कि एडिशन करेंगे और एडिशन में एडिशन ओवरफ्लो बिट हो सकती है तो उसको हम ए बी एफ
में स्टोर कर लेंगे और फाइनली रिजल्ट जो है हमारा वो ए और एएस में जाकर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। लेकिन यदि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में माइन्यूट इन ए है और सब्टेंड इन बी है, और यहाँ पर जब हम ए एस और बी एस जो कि ए और बी के साइन को रखने के लिए हमारी फ्लिप फ्लॉप होती हैं, इनके ऊपर जब हम एक्सक्लूसिव और गेट अप्लाई करते हैं और एक्सक्लूसिव और गेट का रिजल्ट हमारा वन आता है, इसका मतलब हुआ कि सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं और वहां पर ए और बी डिफरेंट साइन के हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब ए और बी डिफरेंट साइन के सब्ट्रैक्शन में होते हैं तो यहाँ पर हमें एडिशन करना होगा। तो एडिशन करने के लिए यहाँ पर पुनः यहाँ पर ई ए इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा और अगेन एडिशन ओवरफ्लो बिट जो है इक्वल टू ई हो जाएगा। तो ये चार केस एडिशन में, पहले दो केस की सेम साइन के और सब्ट्रैक्शन में डिफरेंट साइन के दो केस, इन चारों केसों में हम एडिशन करेंगे। अब हम चलते हैं कि हम एडिशन कर रहे हैं और हमारे जो एडिशन में ए और बी जो नंबर हैं वो डिफरेंट साइन के हैं, तो इस केस में एक्सक्लूसिव और गेट जो है इसका आउटपुट वन होगा। और जब इसका आउटपुट वन होगा इसका मतलब ए एस इज नॉट इक्वल टू बी एस, यानी कि हम एडिशन तो कर रहे हैं पर हमारे ए और बी के दोनों के साइन अपोजिट हैं, दोनों के साइन डिफरेंट हैं, दोनों के साइन बराबर नहीं हैं। तो इस केस में हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा और यहाँ पर हम देखेंगे कि ई ए इक्वल टू ए प्लस बी बार प्लस वन और ए बी एफ इक्वल टू जीरो, चूंकि सम नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन में जो हमारा एडिशन ओवरफ्लो बिट जो है वो जीरो हो जाएगी। और यही कार्य हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन अगर कर रहे हैं और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में अगर ए और बी जो दोनों हैं दोनों के साइन के ऊपर हमने एक्सक्लूसिव और गेट अप्लाई करा और दोनों के साइन सेम है तो एक्सक्लूसिव और गेट का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जीरो, और जीरो है और यहाँ पर तो ए एस इक्वल टू बी एस हो जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम और ए और बी दोनों के साइन सेम ही है तो इस केस में भी सब्ट्रैक्शन होगा। यानी कि कुल मिलाकर बात यह हुई कि सब्ट्रैक्शन हम चार केसों में करते हैं, दो केस होंगे एडिशन के जब दोनों ए और बी अपोजिट साइन के होंगे, और दो केस होंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के जब दोनों ए और बी सेम साइन के होंगे। तो इन चारों केसों में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब यहाँ पर आगे चलते हैं हम ई की जो बिट है ई बिट के ऊपर ये डिसाइड किया जाएगा कि ए की वैल्यू बी से ज्यादा या बराबर है या ए की वैल्यू बी से कम है। अगर ए की वैल्यू वन आती है तो इसका मतलब हुआ कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यानी कि ए की वैल्यू बी से ज्यादा है, यानी कि माइन्यूट जो है ए दैट इज ग्रेटर देन सबटेंड बी। अब इस केस में दो कंडीशन बनती हैं, अगर ए की वैल्यू जीरो है यानी कि ए इक्वल टू बी हो गया, अगर ए की वैल्यू जीरो आ गई यानी कि जो हमारे एक्यूमुलेटर है एक्यूमुलेटर की वैल्यू जीरो आ गई, इसका मतलब हुआ कि ए इक्वल टू बी हो गया, यानी कि ए और बी दोनों की वैल्यू बराबर है, तो इस कंडीशन में ए एस इक्वल टू जीरो, यानी कि जो एक्यूमुलेटर का साइन जो है वो जीरो हो जाएगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब यहाँ पर ए इक्वल टू बी हुआ तो जो रिजल्ट आएगा वह हमारा जीरो होगा और जो साइन बिट जो है हमारी वो जीरो हो जाएगी, जो कि जीरो जो रिजल्ट आया है उसको पॉजिटिव बना रहे हैं हम एस इक्वल टू जीरो की सहायता से। अब हम दूसरी इसमें दूसरी कंडीशन में चलते हैं कि अगर ए की वैल्यू बी से ज्यादा है, अब यहाँ पर ए की वैल्यू बी से ज्यादा है लेकिन बराबर नहीं है, इसका मतलब कि जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर ए और ए एस में जाकर स्टोर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं यहाँ पर अगर e इक्वल टू जीरो है, e इक्वल टू जीरो है इसका मतलब कि अब a इज लेस देन b, अब बजाय a के b की वैल्यू
ए से ज्यादा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a less than b है, यानी कि b की वैल्यू a से ज्यादा है। तो इस केस में हम a को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं और फिर हम करेंगे a equal to a plus 1 और as equal to as bar, यानी कि जो as का जो पुराना साइन था, जो पूर्व का साइन था, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। और यानी कि रिजल्ट अगर आपका, जैसे ए एस अगर आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम ए एस को नेगेटिव कर देंगे, और ए एस अगर नेगेटिव है तो ए एस हमारा यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस, क्योंकि यहाँ पे हमारा बी की वैल्यू ए से ज्यादा है, तो हम जो ए एस का साइन है उसको चेंज करके फिर रिजल्ट जो है हमारा आएगा ए और ए एस में स्टोर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार यहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हार्डवेयर एल्गोरिथम की सहायता से किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में एडिशन एवं सब्ट्रैक्शन एल्गोरिथम साइन मैग्नीट्यूड डेटा के ऊपर हम किस प्रकार अप्लाई करते हैं, किस प्रकार उसका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसकी एल्गोरिथम क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से जाना। दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जीपीसी जयपुर चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर सब्जेक्ट कोड सीएस 202 एवं सब्जेक्ट कोड डीसीएस 210 के अन्य वीडियो से भी आप जरूर लाभान्वित होवें और उनको लाइक करें। धन्यवाद।